open, I feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights. Hello everyone, welcome back to my channel StyleVibha. आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ स्टिल क्वर्की का मेकअप ट्यूटोरियल प्लस रिव्यू, जो कि एक्सक्लूसिवली अवेलेबल है ओनली ऑन purple.com और इस साइट का मैं आपको लिंक भी मेंशन कर दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर आप लोग चेकआउट करना चाहें तो प्लीज मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। purple.com का आपको डाउनलोड करना है, वैसे बहुत सारे अमेजिंग ऑफर्स चलते रहते हैं। इसी तरह मैंने आज का जो मैंने परचेज किया था, फर्स्ट टाइम मैंने purple.com से ट्राई किया था, चलिए ट्राई करते हैं। अभी क्रिसमस सेल चल रही थी तो मुझे काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मुझे मिल गया था, ऑलमोस्ट मुझे 50% डिस्काउंट मुझे मिला था मेरी स्टिल क्वर्की के प्रोडक्ट्स पे, प्लस कुछ फ्री गिफ्ट्स भी वो लोग सेंड करोगे। अगर आपका अमाउंट या मिनिमम बिल लाइक 1000 है या मोर देन दैट है तो आपको साथ में कुछ फ्री गिफ्ट्स भी मिलते रहते हैं कुछ ना कुछ। आज का ये लुक जो मैंने क्रिएट कर रखा है वो मैंने क्रिएट किया है यूजिंग ऑनली स्टिल क्वर्की प्रोडक्ट्स। तो अगर आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये ट्यूटोरियल, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं प्राइमर के लिए यूज़ कर रही हूँ मेरा स्टिल क्वर्की का प्राइमर, और ये एक सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है, तो इसको मैं अपने पूरे फेस पे अभी अप्लाई कर लूँगी अच्छे से। ये एक जेल बेस्ड प्राइमर है, जैसे कि मैं आपको लगा कर दिखा देती हूँ, एक पूरा जेल बेस्ड प्राइमर है। तो इसको मैं अपने पूरे फेस पे जहाँ एक्स्ट्रा ऑयल आ जाता है वहाँ पे मैं इसको ऐसे से ब्लेंड कर अप्लाई कर लूँगी। तो ईजिली, बहुत ईजिली ब्लेंड हो जा रहा है मेरी स्किन में, बहुत ही थोड़ा अमाउंट की आपको ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा अच्छे से ब्लेंड हो रहा है, काफ़ी ईजिली ब्लेंड हो जा रहा है, एफर्टलेसली। बहुत लाइट वेट फॉर्मूला है इसका। सो प्राइमर अप्लाई करने के बाद जो है आपका जो आप जो भी उसके बाद क्रीम या फाउंडेशन लगाते हैं वो ईजिली ब्लेंड हो जाता है, काफ़ी देर तक स्टे करता है और होते हैं तो बहुत ईजिली एफर्टलेसली ब्लेंड हो जाएगा। जो भी आप इसके ऊपर प्राइम जो भी फाउंडेशन या फिर क्रीम यूज़ करते हैं बहुत ईजिली ब्लेंड हो जाएगा। तो मैंने अभी ये प्राइमर लगा लिया मेरे स्टिल क्वर्की का, और अभी मैं फील कर सकती हूँ काफ़ी स्मूथ मेरी स्किन हो गई है, काफ़ी ज़्यादा जो है पूरा जेल बेस्ड आया है जो है प्राइमर है। और अगर आप प्राइमर चाह रहे हैं काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट एट दिस प्राइस, काफ़ी अफोर्डेबल है। जो भी प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर रही हूँ सबकी प्राइस डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दूँगी, आप चेकआउट कर सकते हैं, आप स्क्रीन पे भी मैं आपको वो मैंशन कर दूँगी, आप चेक कर लीजिएगा। और ये सारे प्रोडक्ट जो है एक्सक्लूसिवली आपको purple.com पे मिलेंगे। जो मैंने अभी सारे परचेज किए थे अभी पर्पल पे सेल चल रही थी क्रिसमस की, तो मैंने उससे पिक किया है ये सारे प्रोडक्ट्स। तो इसमें आपको सेल चल रही थी तो उसमें यह है कि आप अगर मिनिमम 5 प्रोडक्ट्स पिक करते हो स्टिल क्वर्की के तो आपको 50% फ्लैट 50% ऑफ मिल जाता है। तो मुझे इस मैंने जो भी प्रोडक्ट मैंने पिक किए थे आई थिंक मोर देन 5 थे, तो मुझे 50% ऑफ मिल गया था सारे प्रोडक्ट्स पे। तो जो भी इसकी MRP वो दिखाता है आपको उससे मुझे हाफ रेट में मिले हैं, आप डेफिनेटली आप चेकआउट कर सकते हो। इस पर वैसे भी बहुत सारे ऑफर्स सेल वगैरह चलती रहती है स्टिल क्वर्की प्रोडक्ट्स पे, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो अभी नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ स्टिल क्वर्की की CC क्रीम, और इसमें मैं जो शेड यूज़ कर रही हूँ मैं सारी डिटेल जो भी मैंने शेड पिक किया है सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो प्लीज़ चेक कर लीजिएगा कि मैंने कौन सा शेड मैंने यूज़ किया है। तो ये भी सेम ऐसे इसी तरह की पैकेजिंग में आपको मिलता है जस्ट लाइक प्राइमर, बस आपको नाम देके आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा है, जैसे आप चेक कर सकते हैं दोनों सेम ट्यूब है, काफ़ी स्लीक पैकेजिंग है इसकी, बस आप एक यहाँ पे मेंशन किया हुआ है CC क्रीम। तो इसको मैं ओपन करके बता देती हूँ, अभी मैं ये अप्लाई करने वाली हूँ अपने फेस पे, और ये स्पेशली अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट CC क्रीम फॉर यू, काफ़ी अच्छी कवरेज आपको मिलती है इससे। और अगर आपकी ड्राई स्किन है तो इन दैट केस आप ऐसा कर सकते हैं, आप इसको अगर किसी मॉइस्चराइजर में मिक्स करके लगा सकते हैं, या फिर आप पहले अपने फेस को मॉइस्चराइज कर लीजिए अपने फेस को प्रॉपरली, जैसे कि मैंने ऑलरेडी कर लिया फेस को अपने मॉइस्चराइज, जो भी मैं डेली अपना मॉइस्चराइजर यूज़ करती हूँ डेली बेसिस पे वही मैंने अप्लाई किया है, और उसके बाद मैंने बस प्राइमर लगा लिया था। तो उसके बाद मैं इसको अप्लाई करी क्या है वो ड्राई स्किन, तो ड्राई स्किन के लिए थोड़ा आपको इसमें मैनेज करना रहता है, आपको बस मॉइस्चराइजर लगाना, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल इसकी प्राइस है, एंड द बेस्ट थिंग इज़ कि
और ये आपको जो क्रीम है आपको पैराबेन फ्री मिलती है एट दिस प्राइस रेंज. बहुत रेयरली आपको ऐसे जो केमिकल फ्री, जो हार्मफुल केमिकल्स रहते हैं, मिनरल ऑयल, इन सबसे फ्री आपको मिलते हैं प्रोडक्ट्स. तो बिकॉज ऑफ दिस सबसे ज़्यादा मुझे अट्रैक्ट किया, इसी वजह से मैंने ट्राई किया है. तो चलिए ट्राई करते हैं. मैं इसको भी अप्लाई करके आपको बता देती हूँ कैसे अप्लाई करना है. ये काफ़ी लिक्विडी फॉर्मूला है इसका. नॉर्मल सीसी क्रीम थोड़ी थिक होती है, बट एनीवेज मैं इसको अपने पूरे फेस पे ब्लेंड करने वाली हूँ. और मैं इसमें कंसीलर यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो इसीलिए कंसीलर की जगह मैं इसी को यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में प्लेस कर देती हूँ. थोड़ा लिक्विडी है तो आप फॉल ऑफ होने के चांसेस है, तो आप इसे ध्यान से लगाइएगा. तो मैं इसको अपने हाथ से ही ब्लेंड कर रही हूँ. और इसमें जो फ्रेग्रेंस है आपकी, जो आपको थोड़े जैस्मिन जैसी फ्रेग्रेंस रहती है, तो जो बहुत ही लाइट फ्रेग्रेंस है, तो आप इजीली मैनेज कर सकते हैं इसको. और जैसे कि आप देख सकते हैं अभी कितना स्पॉटलेस मेरी स्किन हो गई है. और अगर आपको इसमें बहुत ज़्यादा कवरेज चाहिए तो आप इसका दो लेयर लगा सकते हैं. और आपको जहाँ पे भी लगता है कि फेस में थोड़े पिगमेंटेड एरिया है या कुछ डार्क स्पॉट्स हैं, तो वहाँ पे आप उसको डबल लेयर करके लगा सकते हैं, तो ईजिली वो हाइड हो जाएगा. और स्टिक वर्किंग के आपको कॉम्पैक्ट भी बहुत सारे रेंज में मिल जाएंगे. बट मैंने जब मैं परचेज कर रही थी तो उसमें जो मेरा वाला शेड था वो ऑलरेडी आउट ऑफ स्टॉक था, तो इसलिए मैं अपना नॉर्मल दूसरा वाला कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ. स्टेक वर्किंग के भी काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में आपको कॉम्पैक्ट मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड है पाई, तो इसलिए मैं अपना नॉर्मल दूसरा वाला जो मैं लैक्मे 95 का मैं मोस्टली यूज़ करती हूँ, मैं बस वही यूज़ कर रही हूँ मेरी भी इसी क्रीम को थोड़ा सेट करने के लिए. तो मैंने अपनी सीसी क्रीम को अच्छे से सेट कर लिया है अभी जो लगाने के बाद में. और अभी मैं अपने आईज के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ स्टेक वर्की का काजल, जो कि है इन द शेड ब्लैक. और ये काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड काजल है, अगेन इट्स पैराबेन मिनरल ऑयल फ्री, तो इस वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया ये. तो मेन थिंग इस स्मज प्रूफ है, वाटर प्रूफ है, तो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है. सुपर डार्क ब्लैक कलर का है, तो मैं उसको अभी अपने जो अपने आई लिड पर मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ. आपको बहुत ज़्यादा क्लीन होने की ज़रूरत नहीं है, एकदम नीट एंड क्लीन होने की ज़रूरत नहीं, जैसे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं. वेल पिगमेंटेड काजल, यू मस्ट ट्राई टू बटरी सॉफ्ट काजल. और नेक्स्ट मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ अपनी ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से. आप कोई भी अपना ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर सकते हैं, नहीं तो चाहे तो अपनी फिंगर की हेल्प से भी इसको ब्लेंड कर सकते हैं. अब मैंने यहाँ पे अपनी वो क्रीज पे ऑलरेडी इसको ब्लेंड कर लिया. अभी इसी तरह अपनी वाटर लाइन पे भी अप्लाई करके इसको ब्लेंड करने वाली हूँ. देख सकते हैं कि मैंने आप आए इसमें डिफरेंस पता लगा सकते हैं कि किस तरह से डिफरेंस आ गया है. मैंने इसको ब्लेंड किया है प्रॉपरली अपनी ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से. अभी मैं सेम इसी तरह अपने दूसरे आई पे भी इसको लगा के ब्लेंड कर लूँगी. अभी देख सकते हैं आप, मैंने अपने दोनों आईज पे अपने काजल को ब्लेंड कर लिया लगाने के बाद, अपनी ब्लेंडिंग ब्रश से अच्छे से ब्लेंड किया है. अभी इसी जो भी बचा हुआ प्रोडक्ट है उसको मैं अपने आईब्रो पे लगा रही हूँ एज अ आईब्रो पेंसिल, मैं इसको यूज़ कर रही हूँ. We'll be right back.
करने आईब्रोज को फिल करने के बाद में नेक्स्ट जो आईलाइनर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेरा स्टे क्वर्की का लिक्विड आईलाइनर इन द शेड ब्लू। इससे मैं अपना आईलाइनर ड्रॉ करूँगी, इसमें थोड़ा विंग देने वाली हूँ। ये थोड़ा शिमरी आईलाइनर है, बहुत ही ज़्यादा लिक्विड है और अगेन ये पूरा लॉन्ग लास्टिंग वाटर प्रूफ स्मज प्रूफ आईलाइनर है। और द बेस्ट थिंग इसका जो एप्लीकेटर वो काफ़ी लॉन्ग है तो आप अप्लाई करने के लिए बहुत इजी रहता है, इजीली आप होल्ड करके इसको अप्लाई कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि आईलाइनर कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है, काफ़ी डार्क ब्लू कलर का आईलाइनर है। उसको मैंने जो विंग बनाया मैं आपको दिखा देती हूँ, तो इसी तरह मैं अपनी दूसरी आई पे भी विंग आईलाइनर ड्रॉ कर लूँगी। सो गाइस मैंने अपने दोनों आईज पे आईलाइनर को ड्रॉ कर लिया, अभी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लुक आया है आईलाइनर लगाने पे। आई एम इन लव विद दिस स्टे क्वर्की आईलाइनर, बहुत ईजीली अप्लाई हो जा रहे हैं, बहुत क्विक ड्राई हो रहा है और लॉन्ग लास्टिंग है अगेन, तो इस वजह से मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। और अगर आपको अफोर्डेबल प्राइस में इस तरह का प्रोडक्ट अमाउंट मिल रहा है तो आई थिंक मेरी तरफ से ये प्रोडक्ट को थम्स अप है। और जो नेक्स्ट लिप्स के लिए मैंने स्टे क्वर्की की लिक्विड लिपस्टिक परचेज की है और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो आप चेकआउट कर लीजिएगा। ये एक लिक्विड लिपस्टिक है, प्योर मैट लिपस्टिक है ये, तो इसके लिए मैंने अपने लिप्स को ऑलरेडी मॉइस्चराइज कर रखा है। आप देख सकते हैं काफ़ी ब्राइट शेड है, लाइक कोरल पिंक आप कह सकते हैं वैसा कोई शेड है, तो वो भी मुझे काफ़ी पसंद है, बिल्कुल भी ड्राई नहीं है ये, लिप्स पे बहुत इजीली अप्लाई हो गया है। आप देख सकते हैं कि प्रॉपर मैट है, जैसे लिक्विड लिपस्टिक सेट होने के बाद प्रॉपर मैट फिनिश आपको ही दे रही है। और अभी ब्लश के लिए मैं सेम लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ एज अ ब्लश, क्योंकि स्टे क्वर्की के अभी तक कोई भी ब्लश उन्होंने लॉन्च नहीं किए हैं, तो उसके लिए मैं सेम वही स्टे क्वर्की की लिपस्टिक को थोड़ा सा अपने एप्लीकेटर को लेके इसको थोड़ा सा अपने चीक पे लगा के इसी को ब्लेंड करने वाली हूँ अपने हाथ से। और आपको बहुत क्विकली ब्लेंड करना है क्योंकि लिक्विड लिपस्टिक है तो बहुत जल्दी ड्राई हो जाएगी। एंड द बेस्ट थिंग कि आपका ब्लश जो है काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, बट आपको इतना ही कि थोड़ा क्विक होना है, बहुत क्विकली आपको अप्लाई करना, नहीं तो ड्राई हो जाएगी आपके चीक्स पे, आप अप्लाई इजीली ब्लेंड नहीं होगी। आपको बहुत क्विकली अप्लाई करना है, नहीं तो ये ड्राई हो जाएगी फिर इजीली ब्लेंड नहीं होगी। तो जैसे ही आप लगवाएं लिपस्टिक इमिडिएटली आपको इसको लगाते ही ब्लेंड कर देना है। और जैसे कि आप देख सकते हैं जब मैंने ये लिपस्टिक अप्लाई किया एज ए ब्लश मैंने अप्लाई किया, एकदम नेचुरल लाइट पिंक ग्लो मिल गया, एकदम बहुत ही बेबी पिंक जैसा आप बोल सकते हो वैसा मुझे ग्लो मिला है, एकदम नेचुरल पिंक से। बहुत ज़्यादा मैंने डार्क इसको नहीं अप्लाई किया अपने चीक्स पे, एकदम इसको लाइट रहने दिया है। सो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट थिंग, अगर आप लिपस्टिक में अगर ब्लश आपके पास नहीं है, अगर फिनिश हो गया है आप ट्राई करना चाहते हैं सेम लिपस्टिक को भी, आप अपने ऐसे डॉटर की हेल्प से आप चिक्स पे अप्लाई करके इजीली इसको ब्लेंड कर लीजिए, बहुत जल्दी ब्लेंड होगा, एग्जैक्ट आपको ब्लश जैसा ही लुक मिलता है, तो प्लस काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग ब्लश आपका बन जाता है। सो द नेक्स्ट थिंग मस्कारा स्टे क्वर्की की, अभी तक कोई भी अपने मस्कारास भी लॉन्च नहीं किए हैं तो उसके लिए मैं क्या करूँ, स्टे क्वर्की का मेरे पास एक ब्लैक काजल है तो मैं उसको ले रही हूँ और एक स्पूली की हेल्प से मैं इस पर अप्लाई करके इसको एज अ मस्कारा लगाने वाली हूँ। और ये भी एक ट्रिक है, अगर आपके मस्कारा फिनिश हो गया है, ड्राई हो गया है, अगर आप ख़त्म हो गया नहीं है, तो इन दैट केस आप इसको डेफिनेटली ये ट्रिक ट्राई कर सकते हैं। तो उसको मैं क्या करूँगी, स्पूली को ये जो लाइनर है मैं इसको लेके इसको पूरे स्पूली पे थोड़ा अच्छे से अप्लाई कर दूँगी और इसी को अपने मैं आई लैशेज पे आई मस्कारा यूज़ करूँगी।
तो अगेन आपका फिर ये लॉन्ग लास्टिंग मस्कारा वाटरप्रूफ मस्कारा बन जाएगा। सो गाइज दिस इज माई फाइनल लुक, आई होप यू लाइक वॉचिंग माई वीडियो। सो अगर आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल टू फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा आज का ये वीडियो कैसा लगा, स्टे क्वर्की का मेकअप ट्यूटोरियल। तो इसी तरह से मैं आपके लिए और नए वीडियोस पोस्ट करती रहूँगी। सो तब तक के लिए गाइस बाय।